गुड मॉर्निंग बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सब देख रहे हो न्यूज पे, टीवी सभी देख रहे हो ना, कोरोना की वजह सारी हर एक स्टेट में मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। हर जगह पे संख्या बढ़ती जा रही है, यानी 1.5 लाख पार कर चुका है। फिर भी देखो, कोई उम्मीद नहीं है स्कूल कब खुलेंगे, या ये भी नहीं उम्मीद कर सकते कि आपके समर वेकेशन हम कब करें। जब तक गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं आता है, हमें आपको ऑनलाइन क्लासेस द्वारा ही पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? और जो काम हम दे रहे आप सब करते हो, फेयर में करिए। और मेरा अभिभावकों से ये निवेदन है कि बच्चों को समय दें, और अगर स्कूल अगर 6 महीने तक नहीं खुलेंगे तो बच्चे जो भी पढ़ाया है या अब तक जो पढ़ चुके हैं स्कूल में सब भूल जाएंगे। इनको दोबारा रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए चाहे 1 घंटे बैठ के पढ़ ले, थोड़ा गैप देखे, सुबह शाम दोपहर जैसे भी टाइम मिले, बच्चों को ज़रूर टाइम दे और पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करें। हमारे पास ये एक ऑप्शन है जो ऑनलाइन क्लास, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब हम पढ़ाते हैं तो आप अपनी बुक्स जरूर सामने रखे बैठिए, जिससे आपका इस पे ध्यान रहे। तो बच्चों, ये क्लास 3rd का चैप्टर है, चैप्टर 3 एक्शन टू बी प्राउड ऑफ। और मैंने कल भी पढ़ाया था, आज इसका डे 4th है, पेज नंबर 90+20। ठीक है बच्चों, चलते आगे पढ़ते हैं। हमने देखा था रहीम अपने ग्रुप को लेकर, अपने गैंग को लेकर क्या करता है, आम के बगीचे में जाता है और आम तोड़ कर लाता है। तो ये इसके चक्कर में एक दिन ये पकड़ा गया और मालिक ने उसको अपने मालिक के सामने पेश किया, और ये कहने लगा कि मालिक ये खाता कम है और नुकसान ज्यादा करते हैं ये सभी बच्चे। तो अब आगे देखिए इसके आगे क्या हुआ। द ओल्ड मैन वॉज काम एंड सीरियस, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो शांत बैठा था, बहुत ही सीरियस था। रहीम फियर इफ वी he would be thrashed by him, he was ashamed that he had been caught red-handed. अब रहीम को डर भी था कि मैं इसके हाथ पकड़ा गया और रंगे हाथ पकड़ा गया हूँ, और मैं जो ये कुछ भी पनिशमेंट दे सकता है। The old man stood before रहीम and asked many questions. और उसने कहा उस लड़के को अपने सामने खड़ा करके उससे कई क्वेश्चंस पूछे। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, डू यू लाइक मैंगोज, उसने पूछा क्या नाम है आपका, आप कहाँ रहते हो, क्या आप आम पसंद करते हो। रहीम आंसर्ड ब्रीफली, रहीम ने सारे आंसर विस्तार से बता दिए। द ओल्ड मैन आस्क्ड द वॉचमैन टू गेट बास्केट मैंगोज फॉर द चिल्ड्रन एंड सेल, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा बचपन से कि एक बास्केट ला पूरे भरकर उसमें और इस बच्चे को दे दो। दे आर नॉट थीव्स, ये चोर नहीं है। देन द ओल्ड मैन रहीम टू कम टू द ऑर्चर्ड अदर डे विद ऑल हिज फ्रेंड, उसने कहा कि इनको पूरे मतलब बच्चे चोर नहीं है और इनको भर के बास्केट आम दे दो, और कहा कि आप अपने पूरे सारे फ्रेंड के साथ एक दिन मेरे पास आना। वन डे दे ऑल वर प्रेजेंट बिफोर दैट ओल्ड नोबल मैन, तो एक दिन इन्हें सब मिलकर कहा आ गए उस बूढ़े आदमी के पास। तो विथ दे ऑल ग्रेटेड हिम विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, और सभी ने उनको पूरा आदर सहित सम्मान दिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें इसका अगला पार्ट मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। और जो वर्क आपको दिया जा रहा है, कुछ तो वर्ड मीनिंग मैंने आपको दी है, उसको फेयर मेड करिए। इस चैप्टर से पहले एक पिक्चर दी है जैसे आम का बगीचे का, तो आप इसको फ्रंट पेज पे, इस चैप्टर के फ्रंट पेज पे इसको बनाओगे, उसके बाद वर्ड मीनिंग करोगे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज, फिर क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।